हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. यस्टरडे मैंने नमन और वैभव को एक टास्क दिया था, ठीक है, कि सॉइल के रिलेट में बताना है. ठीक है, एग्रीकल्चर में सॉइल में क्या, किस कंपोजिशन में क्या फ़ायदे होते हैं, अलग अलग मिनरल्स के बारे में डिस्कस करना है, पीएच लेवल हर चीज़ के अनुसार से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और पीएच और नाइट्रोजन लेवल और इन सारे लेवल में कम होने पे कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन सी नहीं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जो कि अभी मैंने ये पेन ड्राइव में जो है ये क्या बोलते हैं वैभव का ये खोल रखा है पीपीटी. तो आई वुड लाइक टू इन्वाइट वैभव, प्लीज कम एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू अवर स्टूडेंट्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट. ठीक है वैभव, प्लीज. Soil salinity in India. Soil is made of three things: solid, liquid and gases. ठीक है, इस वो अर्थ क्रस्ट के अंदर फॉर्म होती है. कॉम्प्लेक्स है, पांच कंपोनेंट होते हैं मेनली. मिनरल मटेरियल्स आर ऑर्गेनिक ह्यूमस, वाटर, एटमोस्फेयर एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स. ठीक है, सॉइल सैलिनिटी, साल्ट अफेक्टेड जो सॉइल है जनरली फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड एरिया. ठीक है, जो सॉइल यानी जनरली फाउंड इन लो प्रसिपिटेशन एरिया जिधर है ना 10.75 से भी कम बारिश होती है, वो एरिया तुम्हारा एरिड और सेमी एरिड बन जाएगा. और सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो वेदरिंग ऑफ द पेरेंट रॉक कंट्रीब्यूट टू सोल्यूबल साल्ट टू सॉइल. ठीक है, जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, कौन कौन से मिनरल्स जो मिलेंगे, वो एक्चुअली पेरेंट रॉक के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उससे बनता है. एक्चुअली इसका सीन ये, जो रॉक होता है उसके अंदर है ना फॉस्फेट और सिलिका पाया जाता है. ठीक है, और जब वेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो एसिडिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो होते हैं, जैसे कि H3PO3, H3PO4 और आपका SO4 जो होते हैं, तो इससे एसिडिफिकेशन स्टार्ट होता है. और जब एसिडिफिकेशन, जब रॉक के कॉन्टेक्ट में एसिड आता है तो उसका सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉइल के मतलब जब बारिश होगी तो ह्यूमस होगा, मतलब यानी कि मोस्ट सॉइल मोस्ट बनेगी. और ये इस प्रोसेस से सॉइल के अंदर जो मतलब हर एक एरिया की जो सॉइल है वो डिफरेंट इस प्रकार से होती है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके मिनरल्स जो कि उसके पेरेंट रॉक के अंदर होते हैं. और जैसे साल्ट 7 मिलियन हेक्टर से जो कि प्रोड्यूस सैलिनिटी प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं. और ये पिक्चर जो शोइंग है सॉइल सैलिनिटी की, राजस्थान का है ये पर्टिकुलर पार्ट. जो ये दिख रहा है जो वाइट एंड राउंडेड कैप्स कॉलम में जो बने हुए हैं कंप्रेस्ड, ये सॉइल मतलब यानी कि इसके अंदर सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी कम है, ये सैलिनिटी को शो कर रहा है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सैलिन सॉइल, अब चार प्रकार के हैं, सैलिन सॉइल और सैलिन अल्कलाइन सॉइल, सैलिन सोडिक सॉइल. सोडिक सॉइल का मतलब जिसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट सबसे ज़्यादा हो, नहीं नाइट्रोजन एंड सोडियम, पर्टिकुलर नाइट्रोजन एंड सोडियम उसका कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होगा, तो ये सोडिक सॉइल होगी. और ये सॉरी मतलब यानी प्रोडक्शन के लिए सही ज़्यादा फिटफुल नहीं होती है. और चार प्रकार से यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक रे रीजन है उसके अंदर आपको मिलेगा ये सॉइल सलाइन सॉइल, और पंजाब में जैसे थार एरिया, और गुजरात में खज्जर, और महाराष्ट्र में खार. सॉइल्स जनरली जो कंटेन करता है वाइट और ग्रेइश प्लफी जहाँ पर दिखेगा आपको वहाँ पर वो सॉइल मतलब सेलिन इलाका है. और टेक्सचर जो सैंडी एंड सैंडी लूम्स हो सकते हैं, सैंडी एंड सैंडी लूम्स और ये क्ले सैंड एंड सिल्ट, इनका जो कंपोजिशन होता है वो सॉइल को डिफाइन करता है कौन से सबसे अच्छी सॉइल है. जैसे कि एक आइडल सॉइल जो मानी जाती है वो 40% आपका सैंड, 40% आपका सिल्ट और 20% आपका क्ले होना चाहिए, तो वो सबसे अच्छी प्रोडक्शन के लिए होती है. जैसे कि अलुवियल ऑयल बिहार के इधर के रीजन में और वेस्ट बंगाल के इधर के रीजन में, उनमें आप कोई भी क्रॉप उगा सकते हो.
ये उसी का एग्जांपल है. कंबाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सोइल हैव अ व्हाइटिस, वो जो व्हाइट व्हाइट जहां भी दिखेगा और जहां पर पीएच 8.5 से ज्यादा होगी वो अल्कलाइन हो सकता है. ये सोडियक सोइल के बारे में बोल रहा है जिसके अंदर सोडियम का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है. फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनए विद ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी बहुत होगा और जिसमें सोडियम सबसे ज्यादा होगा वो एल्कलिक सोडियम का सोइल होगा और जिसका पीएच 8.5 से 10 के बीच में होगा. और ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट जिसमें ज्यादा होगा वो ये कैलरियस सोइल होगा, कैलकेरियस सोइल. और ह्यूमस और नाइट्रोजन कंटेंट बहुत कम है इसके अंदर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी मॉडरेट है, ज्यादा नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला एक जैसे आइडियल सोइल के बारे में बोला, जैसे लूमी सोइल एक सबसे बेस्ट सोइल मानी जाती है, तो उसके अंदर क्या है वाटर कंटेंट कैपेसिटी उसकी बहुत सारी है, बहुत बहुत ज्यादा होती है. और उसके अंदर वैसे उसका कंपोजिशन ऑलमोस्ट 40-40 और 20 होता है, जो मैंने आपको बताया सैंड सिल्ट एंड क्ले का. ये पर्टिकुलर एरिया से जहां पर ये सैलिनिटी सबसे ज्यादा ज्यादा हर एक स्टेट में कितनी कितनी है. सबसे ज्यादा आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, फॉलोड बाय गुजरात, देन वेस्ट बंगाल. अब इसमें दो प्रकार के डायग्राम में दो प्रकार की सोइल दिखा रहे हैं. जैसे सलिन सोइल है जिसको लाइट ग्रे है और सोडियक सोइल है जो थोड़ी डार्क ग्रे है, ठीक है. अब जहां डार्क ग्रे देखो ये उत्तर प्रदेश की इधर डार्क ग्रे जिधर यानी कि सोडियम कंपोनेंट ज्यादा है, गुजरात की इधर लिटिल बिट दिख रहा है और महाराष्ट्र की इधर थोड़ा बहुत दिख रहा है. सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश इधर से. इफेक्ट ऑफ सोइल सैलिनिटी, जब इंक्रीज सोइल सैलिनिटी होगा ग्रेजुअली इफेक्ट द प्लांट, मतलब ग्रोथ प्रोडक्शन पे इफेक्ट करेगा, पुअर प्रोडक्शन होगी आपकी. और प्राइमरी इफेक्ट जो होते हैं, जो लेस वाटर अवेलेबल होता है बस उसके रूट में थोड़ा सा वाटर होता है, तो वो सैलिनिटी को मतलब स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसकी डिग्री बढ़ेगी, सैलिनिटी की डिग्री बढ़ती रहेगी. वो ये फोटोसिंथेसिस पे भी इफेक्ट डालता है, यू कैन सी देयर ये जो लीफ के ऊपर, ठीक है, पानी कम मिल रहा है इसको. बायोलॉजिकल, हाइड्रोलिक और ये केमिकल और ये फिजिकल, ये कंपोनेंट्स है जिसके अपन यूज करेंगे तो सैलिनिटी कम होगी. जिप्सम यूज करना चाहिए, ठीक है, तो वो सैलिनिटी को थोड़ा कम करेगा. ये एक पर्टिकुलर पीएच लेवल पे बता रहा है, मतलब जैसे अगर 4.6 से कम होगी अगर किसी की पीएच तो सोइल में प्रॉब्लम क्या है पर्टिकुलर. जैसे एल्यूमिनियम मिलेगा और मोलिब्डेनम और टॉक्सिक सोइल होगी वो, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इसमें अप्लाई लिमिंग मटेरियल और ग्रो एसिडिक टॉलरेंट क्रॉप्स. ऐसी क्रॉप उगाओ जो एसिड को टॉलरेंट कर सकती है पीएच 4.6 के लिए. 4.6 से 5.5 के लिए इसमें डिफिशियंसी होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसको भी तुम क्रॉप एसिडिक टॉलरेंट वाली लगाओ, ठीक है. और सबसे बेस्ट सोइल होती है वो होती है आपकी 6.6 से 7.6 के बीच की, ठीक है. जैसे कि ये 6.6 टू 7.5 ये सबसे बेस्ट क्रॉप मतलब सोइल होती है, वो हर एक प्लांट स्पीशीज सबको ग्रो कर सकती है. और इसमें मैग्नीस टॉक्सिट में भी ठीक है, वाटर लॉगिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, हाई रिड्यूसेबल मैग्नीस कंटेंट ठीक है. सोइल इज लाइकली हाँ ये बहुत प्रोडक्टिव होती है. एग्जांपल जैसे इसके अंदर पी एन जेड एन एंड एम ओ सब कुछ बैलेंस्ड होता है. और सैलिनिटी के बारे में, अल्कलाइन सैलिनिटी के बारे में बताया, 8.6 से ज्यादा होगी तो सारा उसी के ऊपर रिलेटेड था. ये लूमी सेंडियन क्ले, जैसे कंपोजिशन की बात में बोल रहा था, तो लूमी सोइल इज गुड, इसका कंपोजिशन सब कुछ इक्वल है ऑलमोस्ट. ये पर्टिकुलर सोइल है जैसे कि सैंड एंड लूम, जो लूमी सोइल होती है वो ज्यादा जैसे सेचुरेशन उसके अंदर ज्यादा मिलेगा सैंड से, ठीक है. प्लांट अवेलेबल मतलब उसमें कौन किस में सबसे ज्यादा प्लांट होंगे, जैसे लूमी के अंदर ज्यादा होंगे, इसमें वन दिख रहा है, ठीक है.
और फील्ड कैपेसिटी भी लूमी की ज्यादा है। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, नाइसली बाइफरकेटेड बाय वैभव, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीपीटी, ठीक है। यू कैन रिव्यू दैट एंड यू कैन यूज दीज स्टैट्स फॉर योर क्या बोलते हैं, आपके अपने यूज के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ लाइक आई वुड लाइक टू लाइक ना इनवाइट नमन, जस्ट अलाउ फॉर टू। Hello, good evening, students. Now I would like to invite Naman. He will continue the जो आधा पार्ट जो है वो Naman continue करेंगे about soil fertility. Okay, please Naman. Have a round of applause for him. Hello, everyone. तो जैसा अभी वैभव भाई बताए थे, डिस्कस कर रहे थे सॉइल के बारे में, तो बेसिकली स्टार्टिंग हम करेंगे कि सॉइल से मतलब क्या इम्पोर्टेंस, क्या सॉइल की। तो सॉइल का इम्पोर्टेंस भाई, अपना जो कंट्री है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, इसमें आज भी 49% जो लोग एम्प्लॉयड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो सॉइल के जो बात कर रहे थे अभी कि कौन सी सॉइल बेस्ट सूटेबल है डिफरेंट क्रॉप के लिए, तो मैक्सिमम देखा ये गया कि इंडिया में जो आपका नॉर्दर्न बेल्ट है वो आपकी है कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, क्योंकि गंगा बेल्ट है उसमें सारे जितने सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं वो आपके होते हैं किसके, आपका सेडिमेंट और एलुवियल सॉइल बनाता है। तो एलुवियल के अलग अलग पार्ट हो गए, जैसे भांगर है, भाबर है, खांकर है, तो अलग अलग पार्ट हो गए। न्यू ईयर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियल को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? खांकर, तो ये सब पता ही आपको। तो ये हो गया नॉर्थ इंडिया की बात, और साउथ में क्या होता है कि साउथ का जो मिडिल, जैसे सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो सेंट्रल इंडिया में डेक्कन प्लेटू आता है। तो डेक्कन प्लेटू से मतलब, उसका मतलब ये कि वहाँ पे बसाल्टिक जो वोल्केनो होते थे उस टाइम में वो होते थे। तो उसमें क्या है, जो ब्लैक सॉइल आपको पाई जाती है वहाँ पे, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल की खासियत ये कि उसमें आयरन रिच कंटेंट ज्यादा होता है। आयरन रिच कंटेंट ज्यादा होने के कारण ये है कि वहाँ पे टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, जो जैसे आप देखते हैं कि जो वोल्केनो इरप्ट करता है, तो वोल्केनो जो इरप्ट करता है वो क्रस्ट और मेंटल के बारे में पढ़े हैं। तो मेंटल जो होता है, मेंटल के मतलब कुछ लेयर एक कंटेंट होता है आयरन का, जिससे कि वहाँ पे जो आयरन जो बाहर निकलता है, जैसे कि बासाल्टिक सॉल्ट बनता है, बासाल्टिक सॉइल बनता है, तो उसमें जो आयरन का कंटेंट होता है वो मतलब एकदम परफेक्ट रेशियो में रहता है। तो आप देखिएगा जो गुजरात महाराष्ट्र जो एरिया है वहाँ पे कॉटन की कल्टिवेशन अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल होता है उसमें आयरन और एल्युमिनियम और जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी अच्छी होती है। तो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो न्यूट्रिएंट के बाद में अभी डिस्कस करते हैं। तो पहले आता है फर्टिलिटी, व्हाट इज फर्टिलिटी। तो उसमें लिखा था एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टू सॉइल वाटर एडिक्वेट अमाउंट इन अ प्रोपोर्शन फॉर द प्लांट ग्रोथ रिप्रोड्यूशन एंड एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड विच इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। फर्टिलिटी सिंपल सा मतलब है, कोई भी चीज को, कोई प्लांट है उसको कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में चाहिए। आयरन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, डिफरेंट टाइप के पोटैश चाहिए। तो एक पर्टिकुलर फिक्स रेशियो जो आइडियल उसका प्रोपोर्शन अगर उसमें उसको मिलता है तो दैट्स बेस्ट फॉर द प्लांट। बट वही अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, जैसे न्यूट्रिएंट पर्टिकुलर रेशियो में है तो न्यूट्रिएंट हो गया, और वो कोई चीज कम मिल रही है तो वो डेफिशिएंसी कहलाएगी। अब उसके बाद आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो लेस देन 10 मोल पर केजी इन द ड्राई वेट। ऐसे मतलब न्यूट्रिएंट होते हैं जो मतलब कि जो सॉइल में एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है 10 मिली मोल पर केजी से कम होते हैं उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। वही उसका जस्ट उल्टा ऑपोजिट हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, जो 10 मोल मिली मोल पर केजी से ज्यादा हो गया उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। टॉक्सिसिटी बता ही चुके थे कि वो न्यूट्रिएंट जो ज्यादा हो जाता है, कोई भी चीज ज्यादा हानिकारक होती है सबको पता ही है, वो पॉइजन बन जाता है न्यूट्रिएंट, तो उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं। आगे यार टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो माइक्रो का ये पढ़ ही लिए हम लोग। उसके बाद आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं नाइन टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट।
तो उसको 3-3 के बेस में सबको कैटेगराइज किया. सबसे पहले आता है नॉन मिनरल, ये आपका है यहाँ पे नॉन मिनरल एलिमेंट. नॉन मिनरल एलिमेंट होते हैं जो मिनरल नहीं है, लेकिन मेटल नहीं है, ठीक है. इसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. दीज आर द ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस पता ही है सब. उसके बाद आता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे कि लाइक एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. दीज आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट. कोई भी प्लांट अगर होगा उसमें मतलब ये जो 3 इंग्रेडिएंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. उसके बाद है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट. दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अब इसको याद करने का एक मिनिमम बनाया सर, इसका एक तरीका है कि पीके का कौन सा मग. ठीक है, इसमें पीके को मतलब सबको डिकोडिफाई करने का, पी से हो गया फॉस्फोरस, के से हो गया पोटेशियम, का सी ए हो गया तो क्या होगा कैल्शियम, और सी एच ओ एन जो हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एस हो गया सल्फर, एम जी से हो गया मग. तो ये एक तरीका याद करने का, इससे आप लिख सकते हैं. अब बात करते हैं नाइट्रोजन के. तो नाइट्रोजन हम लोग सब जानते हैं कि सबसे एबंडेंस में पाया था अर्थ में. ठीक है, 98% ऑफ द प्लैनेट इज कवर्ड ऑफ नाइट्रोजन, और बाकी जो अलग एलिमेंट है वो 2% है. ठीक है, उसके बाद आता है कि प्लांट में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है. तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली इसका रोल ये है कि वो ग्रोथ ऑफ लीव्स और स्टेम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. उसके बाद है क्रॉप अब्सॉर्ब मोर नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल देन एनी अदर न्यूट्रिएंट. तो जो सॉइल से सबसे ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट जो नाइट्रोजन होता है वो सॉइल से मिलता है. इसीलिए कहा जाता है कि जो खेती आप करते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन फॉलो करने, इसलिए कहा जाता है कि जो नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो हर एक क्रॉप का जो हार्वेस्टिंग के बाद कम हो जाती है. तो उसको एक टाइम देना चाहिए, अलग अलग टाइप के क्रॉप जैसे वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर को मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए. आगे इसमें लिखा है नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेल प्रोटीन ऑफ क्लोरोफिल. तो जो क्लोरोफिल आप जान ही रहे, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस जो इम्पोर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं, इसका है डेफिशिएंसी. ये था एक आइडियल अमाउंट में तो ठीक था, डेफिशिएंसी होता है उसके ये लिखे हुए कि येलो हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है, क्लोरोफिल का कम हो जाता है, पेल कलर्ड लीव्स, स्लो एंड ड्राफ्ट ग्रोथ. क्योंकि ये नाइट्रोजन होने से क्या होता था, ग्रोथ बढ़ता था, बट नहीं है तो ग्रोथ कम हो जाएगा. आगे है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस देखिए थर्ड मोस्ट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट है. इसका काम क्या है कि वो जो नाइट्रोजन का काम था कि वो स्टेम का ग्रोथ करता था, ये फॉस्फोरस है ये रूट का ग्रोथ करता है सॉइल के अंदर से. ठीक है, ग्रोथ करते मेच्योरिटी देता है इसको. और एक ये इसका है कि नेसेसरी फॉर द एंजाइम एक्शन फॉर द मेनी प्लांट प्रोसेस. जो एंजाइम जो होते हैं, केमिकल एंजाइम होते हैं, उसके एक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे आता है इसका डेफिशिएंसी. तो वही है, इसमें भी स्लो मेच्योरिटी हो जाता है, डिक्रीज ग्रोथ हो जाता है, लीव्स जो है पर्पलिश कलर के हो जाते हैं. अब आता है पोटेशियम. पोटेशियम जिसको हम लोग पोटैश भी बोलते हैं. तो पोटैश इज द सेकेंड रेडली अब्सॉर्ब, यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, वाटर इंटेक, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्टार्च. मतलब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो मेन पार्ट था ना, वो पोटेशियम के वजह से ही मैक्सिमम होता है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं वाटर इंटेक, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन को ले मतलब बाहर छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इनहेल करना. ठीक है, इंक्रीज द डिजीज रेसिस्टेंस. मतलब जो सॉइल में पोटेशियम की कमी है तो उसका जो डिजीज से लड़ने की जो ताकत है, टेंडेंसी है, वो कम हो जाती है. ठीक है, तो मतलब पोटेशियम होने से सॉइल में मतलब उसका जो रेसिस्टेंस होता है डिजीज के प्रति वो बढ़ जाता है. डेफिशिएंसीज का देख लेते हैं अभी भैया. आगे है कैल्शियम. तो कैल्शियम का वही है, रूट और लीफ का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाता है. इनटेक एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट. डेफिशिएंसी से इसमें रिंकल इन कलर ऑफ लीफ, डेड ऑफ स्टेम्स वगैरह वगैरह. मैग्नीशियम में है क्या, इसमें फैट को हेल्प करता है. मतलब फैट, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट, पॉलीसेक्राइड और ये डाइसेक्राइड वाला हो गया. क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन कलरिंग प्लांट, नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट. डेफिशिएंसी से वही है कि इसमें जो लीव जो स्ट्रेट होती थी वो कर्ल होने लग जाती है. लीव्स पार्ट इज शो वाइटिश कलर. क्लोरोफिल वही है, इसमें ग्रीन पार्ट कम हो जाता है. सल्फर आ गया. सल्फर भी रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है. डिफरेंट टाइप को ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये मतलब अलग अलग फंक्शन इसका देख रहे हैं आप लोग. अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में. तो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सारे हैं मोलिब्डेनियम. इसका भी ट्रिक है कि मोनी कॉल पॉज फेकू मंजन. एक मतलब
इनफॉर्मल तरीका याद करने का, बट ये याद रहेगा इसका मतलब कर सकते हैं हम, जैसे एमओ मुनि से हो गया आपका मोलिबेडनियम निकल, कॉल से हो गया सीएल क्लोरीन, बॉस हो गया बोरोन, एफी फेको से मतलब एफी जो बना वो आयरन बन गया, सीयू बन गया कॉपर, और मंजन के एमएन से बन गया मैंगनीज और जिंक। तो ये एक तरीका हो गया। और आगे इसी के बारे में कि अब माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आयरन के बारे में बताया था, आयरन किस में मतलब कौन से सॉइल में ज़्यादा पाया जाता, तो आपके ब्लैक सॉइल हो गया और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल हो गया, एसेंशियल फॉर द क्लोरोफिल प्रोडक्शन, कॉपर हो गया रेस्पिरेशन में, जिंक हो गया ग्रोथ में। तो जो आप माइक्रो में देख रहे थे वो माइक्रो के भी होता, बट माइक्रो का डिफरेंस माइक्रो से क्या है कि उसका जो अमाउंट है क्वान्टिटी है वो 10 मिलीमोल से कम होता है। ठीक, आगे यही सब है। अब यहाँ पे देखिए आप मैप ऑफ इंडिया, इसमें क्लैरिफाई है कि देखिए जो तराई रीजन है जो आपका नेपाल के नीचे वाला है वो यहाँ पे है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल है। एलुवियल में ये होता है कि एलुवियल में मतलब जो आयरन का वो कम होता है, बट जो नाइट्रोजन और ह्यूमस भी कम होता है। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस कंटेंट ठीक ठाक होता है, तो ये बात है। और जो एरिड रीजन है, एरिड रीजन में भी देखते होंगे कि इसमें मतलब कहते हैं कि ह्यूमस कंटेंट कम होता है और कहते हैं कि वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, बट इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसको इरीगेशन एक चैनलाइज वे में दिया जाए तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है क्रॉप्स की वो बढ़ सकती है। तो जैसे आपका इंदिरा गांधी कैनाल जो है आपका जैसलमेर साइड में जो बहता है, तो उससे मतलब अभी देखा गया कि प्रोडक्शन अच्छा बढ़ा। उसे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, डीप ब्लैक सॉइल है, पीटी मार्श सॉइल है, इधर डेल्टिक एलुवियल सॉइल जो आपका ये आपका सुंदरबन डेल्टा साइड में है ये है। अब उसके बाद आते हैं अपना जो केस स्टडी है वो है बिहार का। तो बिहार का केस स्टडी हम लोग देख रहे हैं कि जो अपना स्टेट है उसमें मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो इसमें मतलब दिखाया गया। तो आप यहाँ पे देखिए जो रेड है वहाँ पे सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है, और जो ग्रीन है डार्क ग्रीन में है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम है वहाँ पे। तो बोरोन देख रहे हैं, तो बोरोन यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ बोरोन है, आयरन है, सल्फर, कॉपर, मैगनीज, जिंक, ये सब है। अब आगे आते हैं प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। द न्यूट्रिएंट कैन बी मेंटेन्ड इन द सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी बाय एडिंग डिफरेंट फर्टिलाइजर। अब देखिए ये कोई सॉइल का एक पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि क्या है, तो उसमें क्या होता है कि एक सॉइल का एक पर्टिकुलर एज के बाद या कल्टीवेशन अगेन एंड अगेन कल्टीवेशन के बाद क्या होता है कि उसके न्यूट्रिएंट जो पार्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, एक टाइप का बैरन लैंड की सिचुएशन आती है। तो उसको रोकने के लिए जो फार्मर क्या करते हैं वो टेक्निक लगाते हैं फर्टिलाइजर का। तो फर्टिलाइजर आप जानते हैं दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक वो है जो एक नेचुरल कॉम्पोनेंट जो नेचुरली मिलता है, ठीक है, जिसमें आपका ये हो गया मैन्योर हो गया, काउडंक हो गया, ड्राई लीफ हो गया, जो पुराने जो आपके खाने का हो गया मतलब पीस ऑफ बनाना हो गया, तो वो उस सब से मिला के जो एक बनता है उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। और इनऑर्गेनिक हो गया जो डायरेक्ट केमिकल के थ्रू एक फैक्ट्री में जाके बनाए जाते हैं। उसके बाद क्या है कि इसमें नॉट लीच्ड फ्रॉम द सॉइल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बारिश होती है, बारिश होने से क्या होता है जो आपका ऑर्गेनिक वाला है वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, मिट्टी के साथ मिलने से क्या उसमें केमिकल रिएक्शन और जैसे अर्थवर्म होती है वो सब आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो मिनरल्स है वो डायरेक्ट प्लांट में मिलता है, क्रॉप में जाता है, वो मतलब बारिश की वजह से वो शेड ऑफ नहीं होता है, ड्रेन नहीं होता है। बट दिस हैपेंस जस्ट ऑपोजिट इन इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जो केमिकल होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के, तो वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। उसके वजह से आप देखा होगा कि जो रिवर के पास में जो आपके क्रॉप का फील्ड होता है उसमें अगर केमिकल्स अगर फर्टिलाइजर दिया हुआ है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर होता है तो वो क्या करता है वो शेड हो जाता है और वो रिवर में आके पॉल्यूट करता है, रिवर पॉल्यूशन में इससे बढ़ जाता है। इसका है कि ये ऑर्गेनिक होने के कारण ये कि ऑर्गेनिक ज़्यादा यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब हर जगह लोग प्रेफर नहीं करते हैं, प्रेफर करते हैं वही लोग जो मतलब किसको अफोर्ड करते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ जो होती है वो हमेशा महंगी रहेगी, तो हर जगह तो यूज़ नहीं होता, बट अभी लोग स्विच कर रहे हैं, तो फार्मर जो है। दूसरा कि इट इज़ नॉट स्टेराइल, स्टेराइल मतलब इट इज़ फर्टाइल, फर्टाइल होता है, और इसका कह नहीं सकते क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, अगर आप एक फिक्स अमाउंट में यूज़ करिएगा तो सही रहेगा, नहीं तो फिर कोई भी नुकसान है। तो दिस इज देखिए इसका प्रोडक्शन पर डिफर करता है, कोई भी चीज़ लार्ज नंबर प्रोडक्शन होगा तो उसका जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो अपने आप कम हो जाएगा। और अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो फार्मर उतने इंक्लाइंड नहीं हुए, उनको अभी उतना एजुकेशन उस लेवल पे नहीं मिला है
एग्रीकल्चर का, कि वो अपने जो काओ और जो कैटल है उनके डंक को या उसके क्या बाहर भी, अभी जो काम भी चल रहा है अभी ये है कि इसका प्रोडक्शन लाइन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि केमिकल जो है, जो केमिकल जो फैक्ट्री है इनका भी कई कई हाथ होता है कि ये नहीं चाहते कि ऑर्गेनिक तरफ मतलब जो लोग है एकदम जल्दी से शिफ्ट करें, तो ये भी मतलब एक ऑब्स्टेकल खड़ा करते हैं, तो एक भी एक डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं. कार्बन तो होगा क्योंकि ऑर्गेनिक है तो कार्बन होगा, बट ये देखा गया कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो और सब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको बनाने के जो एक कल्चर बनता है ना उसको भी बनाने में और मतलब सस्टेन करने में भी टाइम लगता है. और हाँ एक्सपेंस की बात करें क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है और जितना डिमांड रहेगा उतना ही बना जाएगा. जैसे कि समझ लीजिए क्या ऑर्गेनिक सस्ता कहाँ है, maybe it can be also a reason. Other question? Thank you. Thank you, Naman, for a wonderful presentation. ठीक है. Good evening, students. Now, after a very good presentation by Vaibhav and Naman, I would like to invite Raj Kirti to brief about the news, which is called as India Need Additional Act of Bravery. Okay, so just have a round of applause for him. Good evening, everyone. So one of the editorial in newspaper today was India needs individual act of bravery. This editorial can be quite relevant from essay perspective. So the core idea of this editorial is to revisit the idea of individual freedom in the wake that fascist forces are on rise. There are two words there, individual freedom and fascist forces. When we talk of individual freedom, we refer to a liberal bent of mind which prizes aspects like liberty, freedom of speech, racial and gender equality. And on the other hand, fascism, the core principle and the propaganda of fascism is the eternal, things like that eternal peace is a coward's dream, and imperialism means extension of our own our own territory into someone other's territory. So there was also a word there that was religious freedom. So when we talk of religious freedom in the perspective of constitution, it's very important to examine two articles, that is 25 and 26. So as far as Article 25 is concerned, Article 25 deals with the free conscience, free practice, propagation and practice of religion on the basic ground of public order, morality and health. Apart from this, it also comprises throwing all Hindu institutions of public character to all classes of Hindu. मतलब बोलने का है कि the last line that I said कि इस article के तहत जितने भी Hindu public institution है for worship they should be open to all classes of Hindu. Mind it, the word used is classes and not the caste. So the interpretation depends so forth and henceforth. And article, as far as Article 26 is concerned, Article 26 is about right of freedom to manage religious affairs of any religion. Now, when we connect religion to secularism, Western philosophy demarcates religion for secularism. But we can have formulate our own views that yes, a secular person can be a religious person.
but we have to examine it from the democracy point of view. In this point, there was one judgment of Supreme Court, that was Shah Banu Begum judgment, in which the Supreme Court delivered judgment for the maintenance or to the divorce within the period of iddat and onus of maintaining her to her relation on waqf board. This was one of the judgment which was discriminatory in the nature that it was intervening with the secular pillar of the country, because at the same time it was denying the basic maintenance which was given after divorce to the non-Muslim women. So it was somewhere discriminatory when secularism was taken into consideration. Three basic pillars of secularism can be considered as truth, compassion, and equality. Truth is guided by the one's observation and interference with the situation and changes with situation to situation. Compassion walks on the path of empathy, and equality is based on the fact that I'm not going to submit over any sort of discrimination that is taking place there. So these are the three basic pillars of the secularism, and three basic pillars, that is truth, compassion, and equality. These were also the central political idea of Mahatma Gandhi. So there is a very important, the assertion by individual of his own beliefs and opinions, own independence and interest over the group standards mark the beginning of reforms. This is the statement of B.R. Ambedkar. But this statement seemed to have lost prominence. Recently, a news was there in which a legitimate comment by Nasruddin Shah over growing vigilantism was blown out. So in this context, it can be said that this statement is losing its prominence. That was all regarding that article. Thank you. Thank you, Rajkirti, for such a wonderful presentation. Now, after this, I would like to invite Kriti. Okay. So, Kriti, you will use the newspaper? Okay. So, I'll open the newspaper for you. Just allow a moment for me so that I can open the newspaper for you. However, jo students nahi jante unko bata do, Kriti is a lawyer and she is from a law background. So she can give usi ke liye usko jo pehle do article unko diye hain wo isi ke liye kyunki wo law perception se in cheezon ko hame samjha sake. Jo ki pehla jo article hai jo maine inko diya hai बहुत छोटा सा और उसमें ज्यादा ये नहीं है, मतलब वो उतना ज्यादा शायद इम्पोर्टेंट भी ना हो, बट लॉ परसेप्शन से इसको देखना थोड़ा हमारा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होगा रिलेट टू दिस उन्नाव रेप थिंग. ठीक है, तो प्लीज हैव अ राउंड ऑफ क्लॉज फॉर So there is this news, Unnao rape victim booked for forged age certificate. Isme kuch nahi hai, isme just three articles, sections hum dekhenge IPC ke. That is 465, which is forgery ka punishment. Then 476, jo punishment rape ka hai. And then that's it. ये इसमें and इसमें पॉक्सो भी ऐड हो रहा है, तो पॉक्सो आप लोगों ने पढ़ी रखा है, तो there is nothing इतना ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है. बस इसमें forgery of the certificate है and like rape का आप sections बस ये है कि 376 and 465. ठीक है, दूसरा आता है कि will review minimum education criteria pilot.
तो इसमें ये है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने ये बोला था कि दे विल रिव्यू द कंडीशंस ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन फॉर स्टेट. तो स्टेट सिर्फ राजस्थान नहीं है, हरियाणा में भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा था 2015 में. सो इसमें ये था कि क्वालिफिकेशंस फॉर जिला परिषद एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस था क्लास 10 तक होना चाहिए, सरपंच इलेक्शन में क्लास 8 एंड फॉर द शेड्यूल एरिया ऑफ पंचायत उसमें क्लास 5 इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए फॉर द कंटेस्ट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस. तो अभी इसमें कि इसमें आता है कि ऑल्दो स्टेट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है बट जो लोकसभा और इन सबका इलेक्शन होता है उसमें कोई क्वालिफिकेशंस है नहीं. सो तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ लाइक इसमें कि प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज हमारा ये हो जाएगा कि एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम लोगों का बढ़ जाएगा, लिटरेसी लेवल को प्रमोट हो जाएगा अगर कोई एजुकेटेड कोई एजुकेटेड कैंडिडेट होता है तो वो लिटरेसी लेवल एंड ऑल जो भी सारी जो सोशल इवल्स हैं उसको प्रिवेंट मतलब लाइक उसको वो लाइक उसको कर्टेल कर सकता है एंड लाइक फॉर दी सोशल इक्वालिटी और ये सब लाइक लेके आ सकता है लाइक जेंडर इक्वालिटी, सोशल जो सारा सोशल सोसाइटी में जो स्टेटस है लाइक वो सब का. Then Article 40 and 246 Clause 3 jo hai of the Constitution, wo it grants power to the state to make laws to enable the functioning of the self-government units. ठीक है, this is the case and इसमें सिर्फ यही है. Then there's this dolphin. अच्छा सॉरी. सो लाइक रिवर डॉल्फिन्स गो मिसिंग इन सुंदरबंस एज वाटर सैलिनिटी राइजेस. सो इसमें जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, गैंजिस रिवर डॉल्फिन्स हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है एंड दो टाइप्स की डॉल्फिन्स हमको मिलती है लाइक इरावडी एंड गैंजिस रिवर डॉल्फिन्स. गैंजिस रिवर डॉल्फिन जो है वो ब्रह्मपुत्र एंड गैंज जो गंगा रिवर बेसिन है उसके आसपास मिलता है, इरावडी हमको चिलिकम के वहाँ पे मिलता है. देन जो इनका इनकी हैबिटेशन के लिए और इनकी सर्वाइवल के लिए फ्रेश वाटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सिंस सुंदरबंस में बहुत ज़्यादा लाइक सॉल्ट कंटेंट इंक्रीज हो गया, स्पेशली आप देख सकते हो कि लाइक ईस्ट एंड सेंट्रल वाले एरिया में बहुत ज़्यादा लाइक सॉल्ट है, लाइक सैलिनिटी रेंज उसका काफ़ी ज़्यादा है. सो इधर ईस्ट एंड सेंट्रल सुंदरबंस में मिलना बंद हो गया है, लाइक उनका साइटिंग बंद हो गया है एंड वेस्ट में थोड़ा बहुत मिलता है. सो वट आर द रीजन्स, रीजन्स आर दी लाइक नेचुरल एज वेल एज मैन मेड. इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आएगा एंड नेचुरल में आएगा क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से. इसमें लाइक इसमें जैसे ये कि जो हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस होती है लाइक वाटर डाइवर्जन के लिए जो हमने बराजेस बना रखे हैं, बराज जो होता है जो बराज जो होता है लाइक वो अपस्ट्रीम का लाइक ये दिस ये बोला है इसमें कि हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस लाइक वाटर डाइवर्जन्स एंड commission of large barrages upstreams have had a great impact on the salinity profile of the river downstream in the Sundarbans. aur isi ki wajah se unka sighting thoda like bahut zyada kam ho gaya, matlab dikhte hi nahi ab to. and ye jo dolphins tha, dolphin ka sirf ek hi sanctuary hai like which is in Bihar, wo hai Vikramshila. ये है ओम
विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो बिहार में है एंड लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट MOEFCC ने लॉन्च करा गैंजेस रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन प्रोग्राम 1997 में एंड वो स्केड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, that's it. Thank you.